हेलो गुड मॉर्निंग. नाउ वी विल स्टडी वर्तम गत रोग अकॉर्डिंग टू अष्टांग विधि. अष्टांग विधि है मेंशन 24 वर्तम गत रोग. मेनी ऑफ देम वी हैव स्टडीड ऑलरेडी ऑलरेडी एज पर सुक्षुत इन विच आर आल्सो मेंशन द सुक्षुत संहिता. नाउ देयर आर फाइव एक्सक्लूसिवली वर्तमगत रोग विच आर मेंशन ओनली इन अष्टांग विधि. सो वी आर गोइंग टू स्टडी देम. तो अभी जो हम पांच वर्तमगत रोग माने हैं स्टडी करेंगे वो सिर्फ अष्टांग विधि नहीं माने, वो सुक्षुत में उनका वर्णन नहीं है. हाँ, सिक्ता वर्तम जो रोग है उसको सुक्षुत ने वर्तम चरकरा के नाम से वर्णन किया है. बाकी के रोगों का वर्णन जो है वो सुक्षुत संहिता में नहीं है, सिर्फ अष्टांग में और वो आपके सिलेबस में है. तो हम आप उनको पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो वर्तम रोग अष्टांग विधि के अनुसार जो कि आपके आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है. तो सबसे पहला जो है वो है सिक्ता वर्तम रोग. इसका लक्षण है वर्तमन अनंत खरा रुक्षा पिटका सिक्तो मा सिक्ता वर्तम. अर्थात वर्तम का जो अभ्यंतर भाग है वो खर रुक्ष और उसमें कंकड़ों के चुभने जैसी पीड़ा या करकराहट, ऐसी पीड़िका या पीड़िका की उत्पत्ति होती है, उसे सिक्ता वर्तम कहते हैं. इसको सुक्षुत ने वर्तम शर्करा के नाम से कहा है. सुक्षुत ने जैसे इसकी चिकित्सा लेखन क्रम बताई है, उसी प्रकार अष्टांग हृदय में भी इसकी चिकित्सा जो है वो लेखन क्रम है. अगला जो रोग है वो कृष्णोन्मी रोग है, जिसको एडिमा ऑफ द आईलिड्स बोलते हैं. इसका लक्षण है जलस तत्र प्राप्य वर्तम अक्षय सिरह सुप्तोतित कुरुते वर्तम संभव स्तंभम सवेदनम पाशुपूर्ण वने नेतृत्व कृष्णोन्मीलो मक्षु च विमर्दना से क्षम कृष्णोन्मीलम वदंती तत्. अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के अध्याय आठवें में इस रोग का वर्णन है. इसको हम एडिमा ऑफ द आईलिड्स से लेते हैं, पर एडिमा ऑफ द आईलिड्स को हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो इस श्लोक का अर्थ है प्रकुपित वादोष वर्तम के अक्षर में रहने वाली सिराओं में पहुंचकर सोने के बाद जागते समय वर्तम को स्तब्ध कर देता है, तब उनमें पीड़ा होने लगती है. रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे नेत्रों में धूल भर गई हो, पलकों को उठाने में कष्ट होना, नेत्रों से अश्रु स्राव होने लगता है, नेत्रों को मसलने से शांति मिलती है. ऐसे लक्षणों वाला रोग है वो जो कृष्णोन्मील रोग है. इसकी चिकित्सा के बारे में अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान के अध्याय आठवें वर्णित है, कोटेशन 26 में आद्योत्र वैश्य साध्य. अर्थात कृष्णोन्मीलन रोग जो है वो वैश्य साध्य है. तो इसमें जो योग बताया है इसकी चिकित्सा में हुआ है कृष्णोन्मीले पुराणजियम द्राक्ष कलका अम्बू साधितम सस्तिम स्निग्धम नस्यदम अंजनानी च. अर्थात कृष्णोन्मील रोग में द्राक्ष का कलक एक भाग एवं उसी के क्वात उसकी का क्वात 16 भाग पुराण गृत 4 भाग एक साथ मिलाकर पाक करें. जब यह तैयार हो जाए इसे छान कर रख लें, सीता मिलाकर इसका सेवन करें तथा स्निग्ध नस्य लें, इसी का अंजन आदि में प्रयोग करें. तो ये कोटेशन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 9 का है. तो इस योग का वर्णन अंजन के लिए किया गया है. अगली व्याधि जो है वो उत्कृष्ट वर्तम रोग है. इसको मॉडर्न में हम ब्लेफराइटिस लेते हैं. ब्लेफराइटिस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसको हम संदिग्ध रोगों के कृमि ग्रंथि के कंपैरिजन में जो रोग था उसमें हमने इसको पढ़ा था. तो वहां से हम आपको एडवाइज है कि हमारी एडवाइज है कि वहां से आप इसको रिवाइज कर लेना. तो
तो उत्कृष्ट वर्तमरोग का लक्षण है यद वर्तमो उत्कृष्ट वो मुत्कृष्ट उक्ष्मामलनाम तम्यात् रक्त दोष त्यो क्लेशो शावत्यु उत्कृष्ट वर्तम तत्। तो इसमें रक्त धातु की विकृति से एवं वात आदि तीनों दोषों के प्रकोप से बार बार दोनों वर्तमों में उत्क्लेश होकर अकस्मात बिना किसी विशेष कारण के वर्तम सूख जाते हैं, इस रोग को उत्कृष्ट वर्तम कहते हैं। तो इसमें तीनों दोषों के साथ वात रक्त रक्त और तीनों दोषों की जो है इसमें सम्मिलित माने गए हैं। अगला रोग जो है पक्षम क्षात रोग है। जो ये व्याधि उत्कृष्ट वर्तम रोग है इसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं करा गया है। फिर है पक्षम क्षात रोग, इसका मॉडल जो है मैडारोसिस। मैडारोसिस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ जब ट्रेकोमा पढ़ रहे थे। मैडारोसिस जो होता है इट इज स्केंटीनेस ऑफ द आई लैशेस, मतलब जिसमें आई लैशेस या तो सारे के सारे झड़ जाएं या बहुत सारे झड़ जाएं, तो उसको हम मॉडर्न में मैडारोसिस बोलते हैं। तो इसमें आई लैशेस कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं झड़ जा झड़ने के बाद। तो पक्षम क्षात रोग का लक्षण है क्रोधि कंडुम दाम च पित्तम पक्षमांतम अस्थितम पक्षमणाम क्षातनम चनु पक्षम क्षातम वदन्ति तत्। अर्थात प्रकोपित पित्त दोष जब पक्षमों के मूल में अवस्थित हो जाता है तब उनमें कंडू एवं दाह होने लगती है तथा पक्षमों के रोम झड़ने लगते हैं, इस रोग को पक्षम क्षात कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा के बारे में कहा गया है शस्त्र साधे वर्तम रोग में पक्षम सदन में सूची कोश नामक शस्त्र से छेदन कर्म करें। तो इसमें छेदन कर्म करने का वर्णन किया गया है। तो प्रोसीजर जो वो इस प्रकार से है पक्षमणानाम सदने सूचिया रोम कूपान विकुटिये ग्राहेद व जलौका भी वमनम नावनम सर्पिक्षदम मधु शीतल। पक्षमों के गिर जाने पर रोम कूपों को सूची की नोक से विकुटन करें, विरौनियों पर जलौका लगाएं, दूध अथवा अक्षुरस पिलाकर वमन करण करें, मधुर एवं शीत द्रव्य के योग से सिद्ध कृत का नष्ट करें। तो इसमें सूची से विकुटन करने को लिखा गया है जलौका का प्रयोग वमन का प्रयोग और नस्य प्रयोग का वर्णन किया गया। इसके आगे भी इसमें चिकित्सा जो है वर्णित है वो है सचूर्ण पुष्प काशिशम वापित सुर रसारस है ताम्रे दशाम परमम पक्षम शाते दस्तनिजनम। अर्थात पुष्प काशिश को मेन पीस कर ताम्र पत्र में रखें एवं तुलसी की दस दिनों तक वामना दें। इसके अंजन का प्रयोग करने से पक्षम उगाते हैं, यह उत्तम अंजन है। तो इसमें पक्षमों के उगाने का भी वर्णन किया गया है इस अंजन के प्रयोग से जो पुष्प काशिश का योग है। अगला रोग जो है वो कुकुणक रोग है, इसका मॉडर्न ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रोम है। तो कुकुणक रोग को सुक्षुत ने भी वर्णन किया है। तो हम यहाँ सुक्षुत और अष्टांग दोनों के अनुसार कुकुणक रोग के चिकित्सा लक्षण आदि भी पढ़ेंगे। ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रोम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। तो लक्षणों में पहले सुक्षुत का, इसमें बोला स्तन्य प्रकोप कफ मारुत पित्त रक्त वालाक्षी वर्तम भव एवं कुकुणों को अन्य। यह उत्तर तंत्र के अध्याय 19 का 9वां श्लोक है। तो उत्तर तंत्र के अध्याय 19 में कुकुण रोग का वर्णन किया गया है जो आचार्य सुक्षुत के अनुसार। तो इसका अर्थ है स्तन्य के प्रकोप से एवं कफ वात पित्त तथा रक्त की दृष्टि के कारण शिशुओं के नेत्रों के वर्तम प्रदेश में होने वाला यह कुकुण नामक रोग होता है। तो इसमें तीनों दोषों के और रक्त तथा स्तन्य के प्रकोप से उत्पन्न रोग माना गया है। आगे इसमें बोला गया है
लक्षण में मृदति नेत्रम अति कंडो मथा क्षीगुडम नासा ललाटम अपिन शिशु जो नित्यम सूर्य प्रभाम न सहते सर्वती प्रवदम तस्य हरे रुधिरम आशु विनिलिखनश्च। अर्थात इस रोग के होने पर शिशु के नेत्र में अत्यंत कंडू होती है जिसके कारण वह नित्य अक्षीकूट नासा तथा ललाट को रगड़ता रहता है जिस कारण उसके वर्तों में शोध हो जाता है जिससे वह नेत्र खोल नहीं सकता तथा सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकता है एवं उसके नेत्र में निरंतर अक्षुस्राव होता रहता है। तो ये सुक्षुत का लक्षण है। तो फिर अचानक सुक्षुत ने इसकी चिकित्सा का वर्णन किया, वो है तस्य हरे रुधिरमाशु विनिलिखनश्च शोधय प्रयुतेश कटुभिः प्रतिसारयेतु मातुः शिशोः अभिहितेषु विधिं विद्यात्। तो इसकी चिकित्सा का वर्णन भी उत्तर तंत्र के 19वें अध्याय के 10वें श्लोक में सूक्ष्म आचार्य द्वारा किया गया है। अर्थात ऐसी अवस्था में उस शिशु को ये नेत्र पलक या उसके आसपास जलौका लगा के रक्त निरण करें तथा हर्ष श्रृंगार आदि के पत्रों से लेखन करना चाहिए। उसके पश्चात त्रिकटु के चूर्ण को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करना और इसके अतिरिक्त शास्त्रों में माता एवं शिशु के लिए जो चिकित्सा वर्णित है उसका उपयोग करना बताया गया है। आगे इसकी चिकित्सा में बोला गया है तम वामेतु मधु सैंद्रे संप्रयुक्ते पीतम पेय खलु फले करमंजनम ऋणाम सत्य पिपली लवण माक्षिक ये श्लोक नंबर 11 में है जिसका अर्थ शिशु को प्रथम माता या दायिका अथवा ऊपरी दुग्ध पिलाकर मधु के साथ सांदा नामक चूर्ण और अपामार के बीजों को चूर्ण चटाकर वमन कराना अथवा पिपली सांदा नामक कामिक्ष चूर्ण और शहद में अपामार के बीजों का चूर्ण मिलाकर वमन कराना चाहिए। यदि शिशु को स्वयं वमन हो रहा हो तो उसे वमन करने की कोई औषधि देनी नहीं चाहिए। तो सुक्षुत ने आगे इसकी चिकित्सा में लिखा है दत्वा वच वचा मश्न दुग्धे भुजे प्रयोज्य मुद्वम तत्फलयुतम वमनम विधेय। अर्थात दूध तथा अन्न दोनों सेवन करने वाली शिशु को वचा का चूर्ण दूध या पानी के साथ खिलाकर वमन कराना चाहिए। क्षीणाद की अवस्था के अनंतर केवल अन्न खाने वाले बच्चे को मदन फल के चूर्ण द्वारा वमन कराना। तो यहाँ वमन करने की वमन कर्म करने का उद्देश्य दिया गया है, उपदेश दिया गया है। आगे चिकित्सा में आचार्य सुक्षित कहते हैं जम्बा उम्र धात्रे अणुदल परिधावनार्थम कार्यम कषाय से अश्वेत ने चितम अत्र हितम रुचि सिद्धम तथा अवरपी चिफला विपक्व। अर्थात कुकुड़क में वर्तम का प्रक्षालन तथा परिचय करने के लिए जामुन आम अमलकी तथा अश्वमंतक के कोमल पत्रों एवं शाल का कषाय बनाकर प्रयुक्त करें। इसी प्रकार इस रोग में औषधन करने के लिए नीम गुरु जी के कल्क एवं क्वाथ के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत या त्रिफला के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत हितकारक माना गया। आगे इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सुक्षु जी कहते हैं पालजा मरीच रसानी सिंधु प्रसूत गुड़ माक्षिक संयुतानी स्यादंजना मधु मधुर सा मधु कै आम्र कैवा कृष्णाश्रमृत पेय मधु वी दग्ध। अर्थात मरशिला काली अथवा श्वेष मृष शंख की नाभि रसांजन सैंदा नामक गुड़ और मधु को समान प्रमाण में लेकर कलर में महीन पीस के अंजन करें अथवा मूरवा मुलेठी और आम की छाल ने जला के अंजन करें अथवा कृष्ण लौह का अंतर्धुम करके उसका चूर्णांजन बनाकर वृत तथा मधु के साथ अंजन करना कुकुणक रोग में हितकारक है। तो इस श्लोक में अंजन कर्म के प्रयोग का वर्णन किया गया है।
आगे चारे सुक्षुत इसकी चिकित्सा के विषय में कहते हैं, वियोषम प्लांडु मधुकम लवणोत्तमंच लाक्षणांच गय क्यूलतां गडुकांजनम वा निमश्चेदम मधुक दार्वी सता अम्रक लोधरम इच्छन्ति चत्र विश्वजो अंजन मनुष्य तुल्यम अर्थात त्रिकटु पलांडु मुलेटी सैंदा लवण पिपली तथा लाख पिपली की लाख इन सबको प्रमाण समान प्रमाण में लेकर खांडकूट के जल के साथ खरल करके गुटिकांजन बना ले अथवा नीम के पत्रों मुलेटी दारो निद्रा ताम्र का चूर्ण अथवा भस्म और लोत्र इन्हें एक साथ पीस कर उक्त विधि से अंजन बनाकर जल के साथ खरल करके गुटिका निर्माण कर कुपूर्णक रोग में अंजन करना हितकारक है। तो इस श्लोक के माध्यम से गुटिका अंजन के प्रयोग का आचार्य सुक्षुत ने वर्णन किया। फिर हम आते हैं अष्टांग हृदय में वर्णित इसकी चिकित्सा के, जिसका वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 9 में किया गया है। इसमें लिखा है, कुकुणे खरदी कदीरे यष्टा निम्ब पत्र क्षितम हृदम पीतवा धात्री मोहम्मद कृष्ण यष्टी सृष्टि सश्यप सैंधव है। यानी अर्थात कुणक रोग में खदीर त्रिफला नीम पत्र कल्क एवं क्वाथरस से पकाए हुए कृत को मात्रा के अनुसार धात्री को पिलाकर और पिपली यष्टी मधु सरसों सैंधव लवण के क्वाथरस को पीकर वमन करें। इसके पश्चात कुणक रोग से पीड़ित शिशु उस धात्री का स्तनपान करें, इससे वह शिशु रोग मुक्त हो जाता है। आगे इसकी चिकित्सा में जा रहे अष्टांग हृदय ने कहा है, अभय पिपली लाक्ष पिपली द्राक्षा क्वाथिनी नाम रीचिये वीचिये कत अथा भमन के विचार पश्चात धात्री को हरित की पिपली द्राक्षा के क्वाथ को मिलाकर विरीक्षण कराएं। मुस्ताद्वी रजनी कृष्णा कल के नाले पैस्तनों धूमियत सर्पे साज्य है। अर्थात उसके पश्चात धात्री के स्तनों पर नागरमोथा हरिद्रा दारो हरिद्रा की छाल पिपली के कलकल काले एवं उपटन लगाएं। उसके पश्चात पीली सरसों में घृत मिलाकर धूप दें एवं इसी का नशे रूप में भी प्रयोग करें। तो वमन के पश्चात विरेचन और उसके पश्चात जो है लेप और उपटन का प्रयोग, फिर धूप देना एवं नशे प्रयोग। इन कोटेशनों के अनुसार इन चिकित्सा कार्यों का वर्णन किया गया है। आगे चिकित्सा में बोला गया है, शुद्धां क्वाथं च पायेत् पटोल मुस्ता मृदिका गुडुचि त्रिफला द्वबम अर्थात कड्डू पटोल पत्र नागरमोथा द्राक्षा गुडुचि त्रिफला इन द्रव्यों का क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिए। फिर चिकित्सा में अष्टांग हृदय आचार्य के अनुसार शिशो अस्तु लिखितम व्रतम श्रुता अम्बु जन्म भी धात्रे अश्मंतक जम्बूत पत्र क्वाथेन सेचिये अर्थात इन विधियों से धात्री के स्तन्य शोधन कर लेने के पश्चात शिशु के व्रतम का लेखन कर्म करना चाहिए अथवा रक्त निवारण करें चलौका लगाएं। उसके पश्चात आमलकी अश्वांतक एवं जामुन के पत्रों के क्वाथ से सेचन करें। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने लेखन गर्म रक्त निहरण जलौका का प्रयोग और सेचन कर्म का वर्णन किया है। आगे बोला है, प्राय क्षीर किता शीतवाद बलानाम श्लेष्मजा गदा तस्मा गमने व अग्रे सर्व व्याधिशु पूजित प्राय शिशुओं को दूध एवं घृत पीने एवं खाते रहने से काफी रोग हो जाते हैं, अतः इन रोगों को वमन कराना हितकारक है। तो वमन कर्म इसलिए भी करवाया जाता है ताकि कफ जो बढ़ गया है उसकी उसको सम किया जा सके। आगे चिकित्सा में वर्णन है, सिंधुत कृष्ण अपमार्ग विजय स्तन माक्षिकम चूर्ण उचाया सक्षौद्रे मदन मधुकान
क्षीरम क्षीरान्नम च वजत क्रमशिशो वमनम सर्वरोगेषु विशेषेण कुपुलके। अर्थात शिशुओं को सभी रोगों में विशेषक विशेषकर कुकुल रोग में वमन कराना चाहिए। वमन करवाने के लिए सैंधलवण, पिपली, अपमार्ग बीज, घृत, धात्री तथा माता का दूध और वाल्व चूर्ण मधु मिलाकर वमन करवाने के लिए प्रयुक्त करें। यह वाल्व चूर्ण मधु में मिलाकर दें अथवा मदन फल के चूर्ण को मधु में मिलाकर शिशु को चटाना चाहिए। उपयुक्त तीनों वमन कारक योग क्षीर क्षीराद क्षीरनाद एवं अन्नाद शिशु को दें। तो इस योग का प्रयोग तीनों शिशुओं में क्षीराद क्षीरनाद और अन्नाद में किया जा सकता है। आगे बोला है आचार्य सुक्षित ने चिकित्सा के लिए कोटेशन 31 में सप्तला रसिद्धाजियम योजियम च उभयशोधनम। अर्थात सप्तपर्णी के स्वरस में पकाए गए घृत का सेवन करने से वमन एवं विरेचन दोनों की हो जाते हैं। इस उभयशोधक घृत का प्रयोग करना चाहिए। आगे चिकित्सा में कहा है द्विनिशा रुद्र युष्टा पैरवणी निम्ब पल्लव कुकुणे हिता वर्ती पिष्ट अम्र रजो अन्विदय क्षीश आदर कृतो पेतम लग्नम व लोजम ब्रज अथा हरिद्रा दारु हरिद्रा लोद्र क्षार यष्टि मधु कुटकी नीम के पत्ते एवं ताम्र वसम को जल में पीस कर तथा वर्ती बनाकर कुकुणक रोग में प्रयोग करना हितकारक होता है। इसे वर्तम को पलट कर उसमें लगाना चाहिए। दूध मधु घृत में अवश्य मिश्रित कर लगाना चाहिए। तो इसमें इस कोटेशन में जो है वो वर्ती वर्णित द्रव्यों के द्वारा बनाई हुई जो उसका प्रयोग करने के लिए आचार्य स्टांग देने का कहा है। आगे इसकी चिकित्सा में बोले एला रसम कतक संकोषण फणिजी कह वर्ती कुकुण को बोध कियो सूरा पिष्ट कटफल अर्थात इलायची लहसुन निर्मली शंख काली मिर्च मणिचिकम एवं कटफल की छाल को सूरा में पीसकर वर्ती बनाकर सुखा कर रख लें। इसे लगाते समय जल के साथ घिसकर वर्तमों के भीतर लगाएं। इस वर्ती के प्रयोग से कुकुण रोग तथा पोथकी में लाभ मिलता है। धन्यवाद। इस प्रकार से अष्टांग हृदय में जो वर्णित वर्तमगत रोग है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसके साथ ही जो है हमारे इसके साथ ही हमारे वर्तमगत रोग जो है वो फिनिश हो गए हैं। तो हमने जितने भी वर्तमगत रोग थे जो आचार्य सुक्षुत ने और अष्टांग हृदय ने वर्णित किए थे और जो मॉडर्न के अकॉर्डिंगली वर्णित हैं उनको हम यहां स्टडी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से वर्तम रोग समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद हम वो रोग करेंगे, हम उन रोगों की स्टडी करेंगे जिनका वर्णन मेरी बुक में किसी वजह से जो प्रेजेंट एडिशन है उसमें नहीं है। तो उन व्याधियों की जो लक्षण है चिकित्सा आदि जो भी है चाहे वो आयुर्वेद है या मॉडर्न है पहले हम उनकी स्टडी करेंगे। उसके पश्चात हम शुक्लगत करेंगे, रोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम वो रोग करेंगे जो हमारी मेरी बुक में मेहमान नहीं है ताकि उससे 2015 बैच को भी लाभ हो सके
तथा 2016 में भी लगभग सबके पास मेरी बुक है, तो उनको भी जो टॉपिक्स नहीं है उनका जो वो यहाँ से स्टडी कर सकें। तो बाकी रोग तो बुक में ही है, तो उनकी तो हम स्टडी धीरे धीरे करते रहेंगे, और जो बुक में नहीं है उनका पढ़ना पहले जरूरी है, जो बुक में है वो तो हम करते ही रहेंगे ना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ वर्तमगत खत्म होता है। अब नया टॉपिक लेके थोड़ी देर में मैं आपके पास आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।